अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिरयानी मसाला और पुलाव मसाला। रेसिपी की तरफ जाने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बिरयानी मसाले के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। दो चमचे पिसी हुई मिर्चें, एक चमचा पिसे हुए धनिए, 7 आलू बुखारे, 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं जिन्हें मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है, 2 बड़ी इलायची है, 7 लौंगे हैं, 12 काली मिर्चें हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 चमचा पिसी हल्दी है, 1 चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चमचा ज़ीरा और नमक हसबे ज़रूरत, और 3 छोटी इलायची ली है मैंने। आलू बुखारे, पिसे हुए धनिए, पिसे हुई मिर्चें, साबुत गरम मसाला, ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर देंगे और बिरयानी मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। या आप कोई भी बिरयानी बनाते हुए उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइसेस इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे मैं मिक्स करूंगी। तेज़पात के पत्ते आप बड़े भी ले सकते हैं और छोटे भी ले सकते हैं। इसको मैं मिक्स कर लिया है और ये बिरयानी मसाला तैयार है। मज़ेदार बिरयानी मसाला तैयार है। अब हम पुलाव मसाले की तरफ आते हैं। पुलाव मसाले में जो स्पाइसेस इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पिसी हुई मिर्चें 1/2 चमचा ली हैं, 1/2 चमचा चीनी ली है, नमक हसबे ज़रूरत, साबुत गरम मसाला लिया है, इसमें मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं, लौंगे ली हैं, 6 लौंगे हैं, 8 जो है काली मिर्चें ली हैं मैंने, 3 छोटी इलायची ली हैं, दालचीनी का टुकड़ा 1 चमचा और पिसे हुए धनिए 2 चमचे लिए हैं। इन सब स्पाइसेस को आप मिक्स कर लेंगे। पिसी हुई मिर्चें इसमें मैंने इसलिए कम इस्तेमाल की हैं क्योंकि पुलाव के अंदर हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और उसी से टेस्ट आता है। ये पुलाव मसाला आप लोग 300 ग्राम चावल लेके उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चावलों की मकदार ज़्यादा है तो आप लोग उसी हिसाब से फिर मसाला तैयार कर सकते हैं। पुलाव मसाला तैयार है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।